पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने फलस्तीनियों के हक में जिन्ना अस्पताल से रैली निकाली। हाफिज सईमुर रहमान कहते हैं दुनिया के बाज़मीर अफराद मजलूमों के साथ हैं। निगरान वज़ीर सेहत का कहना है कि यही किसी और जगह होता तो कोहराम मच जाता। कराची से देखिए एहसन चांडियो की रिपोर्ट। मजलूम फलस्तीनियों के लिए पैमा की रैली। जिन्ना अस्पताल से निकाले जाने वाली रैली में डॉक्टरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा कि दुनिया को इंसानी हुकूक सिखाने वाला अमेरिका इसराइल की सरपरस्ती कर रहा है, हम गजा जाने को तैयार हैं। दुनिया को इंसानी हुकूक का सबक पढ़ाने वाला अमरीका इंसानियत का कत्ल हो रहा है और वो कातिलों के साथ और परिंदों के साथ खड़ा हुआ है। इसलिए अगर इसराइल दहशतगर्द है तो दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त अमरीका है। निगरा वजीर सेहत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है यही किसी और जगह होता तो कोहराम मच जाता। जो दुनिया में कहीं पे भी एक किस्म का कोई तो उसूल होता है, उन सारे उसूलों को बिल्कुल ख़त्म करके जिस बेदर्दी से और बेईमाना तरीके से इसराइल ने फलस्तीन के लोगों के साथ तशद्दुद और ये जो बर्बरियत की है, मतलब ये तो इंसानियत से इतनी नीचे गिर गई है। रैली में शरीक डॉक्टर्स भी बोले कि हम अपने मजलूम फलस्तीनियों के साथ हैं। इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, हमें उनका बाइकआउट करना चाहिए और दूसरी बात ये कि हमें अपने मुसलमानों की मदद करनी चाहिए जितनी हम कर सकते हैं। हमारा ये फ़र्ज भी है और हमारे ऊपर जो है वो ये मैंडेटरी है कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ और जिनके साथ जो जुल्म हो रहे हैं उनके साथ उसके अगेंस्ट हम अपनी आवाज़ उठाएँ। रैली में डॉक्टरों और दीगर तंजीमों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की और फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया।